दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि विच कुरियन ने हाल ही में ही सलमान खान को धमकी दी है और धमकी देने के बाद में उन्होंने बताया है कि मैं किसी भी तरीका से सलमान खान जैसे से नहीं डरता हूं। सलमान खान जैसे मेरे पीछे आगे पीछे डोलते हैं और सलमान खान जैसे 100 मेरे घर के पास में हर समय खड़े रहते हैं। दोस्तों अभिजीत विचकुले वो शख्स हैं जो कि बिग बॉस 15 में नजर आए थे और सलमान खान के गुस्से के शिकार भी हुए थे। आप लोगों को पता ही है कि सलमान खान काफ़ी समय से बिग बॉस की होस्टिंग कर रहे हैं, बिग बॉस के होस्ट हैं, और सलमान खान का जब गुस्सा आता है तो उनका हाई लेवल का गुस्सा होता है, जो इस बार अभिजीत विचकुले को काफ़ी सहना भी पड़ा था। और अभिजीत विचकुले ने बोला था कि इतने घर वालों पर एग्रेसिव नहीं हुए जितना मेरे पे हुए थे, क्योंकि सलमान खान जब गुस्सा होते हैं तो उनका गुस्सा एक अलग ही लेवल का देखने को मिलता है। और इस बार भी देखने को मिला कि अभिजीत विचकुले को बहुत ही गंदी तरीका से ट्रोल किया गया था। हालांकि अभिजीत विचकुले की जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही गलत थी और महिलाओं के प्रति उनकी इस लैंग्वेज को देखते हुए सलमान खान ने उनको काफ़ी बार फटकार भी लगाई है। उस फटकार के दौरान ही वो सोच रहे हैं कि सलमान खान ने उनको इस तरीका से क्यों डांटा, और वो सलमान खान को लगातार कोसते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस बार सलमान खान ने एक बार फिर से अभिजीत विचकुले को जवाब दिया है कि उनके जैसे कितने भोसते रहते हैं। लेकिन अभिजीत विचकुले ने भी हाल ही में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने सलमान खान की धज्जियां भी उड़ाई हैं, और कहीं ना कहीं इतने बड़े सेलिब्रिटी जो कि इंडिया के टॉप एक्टर्स में से गिने जाते हैं उनको गलत शब्द का व्यवहार करना भी बहुत गलत है। लेकिन सलमान खान को लगातार अभिजीत विचकुले अब टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जगह जगह वो इंटरव्यू में सलमान खान का जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि सलमान खान की औकात ही क्या है। हाल ही में ही सलमान खान ने बिग बॉस ग्रैंड फिनाले में तेजस्वी प्रकाश को जिता दिया है, और इसमें जो कि प्रतीक सेजवाल को रन अप बनाया गया था, क्योंकि प्रतीक सेजवाल ही वाकई में विनर के हकदार थे। लेकिन जो प्रतीक सेजवाल के साथ में हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।